दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द बीएनवाई न्यूज। मैं विवेकानंद यादव। कटिहार की एक बड़ी खबर सामने आई है कि कटिहार भेड़िया रेखा में स्थित प्रेम गैस एजेंसी के मालिक प्रेम सिंह की बेटी, जो उम्र लगभग 17 साल बताई जा रही है, लॉकडाउन पीरियड में अपने आवास लाल कोठी में थी और भी बच्चे प्रेम सिंह के थे, और इसी बीच गोली चलने की आवाज हुई और कहा जाता है कि पिस्टल, जो सरकारी पिस्टल, लाइसेंसी पिस्टल था, उस पिस्टल से गोली चली और प्रेम सिंह की बेटी गुड्डी की मृत्यु हो गई। काफी कोहराम मच सा गया। पुलिस अधीक्षक, उपाधीक्षक सहित पुलिस वाले वहां पहुंच गए और संध्या के समय इस प्रकार की घटना घटी, लॉकडाउन के पीरियड की घटना बताई जा रही है। काफी गहमा गहमी के बाद पिस्टल को पुलिस ने सीज किया और अंत परीक्षण के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया और बयान वगैरह हुआ, और अब तक खुलकर सामने मामला नहीं आया कि आखिर गोली किसने चलाया और पिस्टल सरकारी थी तो कहाँ थी और किस कारण से उस 17 साल की बच्ची गुड़िया ने स्वयं गोली चलाकर अपना आत्महत्या किया, या और बच्चे प्रेम सिंह के थे, जैसे एक बेटी और थी, बेटा था, किसी ने उसे मार दिया या स्वयं मार लिया, यह तो जांच का विषय है। काफी पुलिस की गहमा गहमी देखी गई और लॉकडाउन के कारण आस पड़ोस के लोग भी प्रेम सिंह के घर पर नहीं गए और लॉकडाउन का पालन करते रहे, लेकिन जो सूत्र के हवाले से जानकारी मिली है कि पुलिस बल रात भर उसके आवास पर रहा, लाश का अंत परीक्षण कराया गया, बयान भी दर्ज हुआ और पिस्टल को भी सीज पुलिस ने किया है, और सूत्र यह भी बता रहे हैं कि गोलीबारी का असल कारण क्या है, किसी ने गोली मारा घर के अंदर या स्वयं गोली मार ली, इस बात का पुष्टि अभी तक नहीं हो पाया है। जो भी समाचार होगा मैं आगे आप तक बताने का प्रयास करूंगा। तो यह बड़ी दर्दनाक घटना है कि प्रेम सिंह, प्रेम गैस एजेंसी के मालिक की बेटी की मृत्यु गोली लगने से हो गई और लॉकडाउन के पीरियड में घर के अंदर ही गोली लगी, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो दोस्तों, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।